अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू दियास कुचीना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्नैक की एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी रेसिपी। ये पफ पेस्ट्री स्क्वायर्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए है पफ पेस्ट्री शीट, मोसरेला 100 ग्राम्स, टर्की रैशेस, टोमेटो पेस्ट 50 ग्राम, ससमी सीड्स, सॉल्ट टू टेस्ट, ओरिगानो 1/2 टीस्पून, पेपरिका 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून। अब हम टोमेटो पेस्ट में जो कि 50 ग्राम है उसमें हम 1/2 टीस्पून ओरिगानो ऐड करेंगे, पेपरिका ऐड करेंगे जो कि है 1/2 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे जो कि है 1/2 टीस्पून, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। अब इन टर्की रैशेस को हम छोटे छोटे स्क्वायर्स में काट लेंगे। अब जो हमने अपना टोमेटो पेस्ट का मिक्सचर बनाया था उसको हम हाफ पफ पेस्ट्री शीट पे स्प्रेड कर देंगे। आपने ध्यान रखना है कि ये इक्वली स्प्रेड हो। अब हम इसके ऊपर टर्की रैशेस के जो हमने छोटे स्क्वायर्स काटे थे वो सारे इसके ऊपर हम डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर मोसरेला डालेंगे और एंड पे हम इसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे और फिर पफ पेस्ट्री शीट को हम फोल्ड कर देंगे। अब हम इसके एजेस को अच्छी तरह दबा देंगे ताकि ये सील हो जाएं। अब हम इसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में काट लेंगे। अब हम इसके ऊपर एग योक लगाएंगे। अब एंड पे हम इस पे ससमी सीड्स स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसको बेक करेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 25 मिनट्स। और ये देखिए हमारे मज़ेदार पफ पेस्ट्री स्क्वायर्स फिल्ड विद मोसरेला चीज, टर्की रैशेस एंड टोमेटो पेस्ट रेडी हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।